जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में मुकाबला खेला गया, उसी मुकाबले के बारे में। तो आप सभी इस मैच के बारे में जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल को एक बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां पर पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं दोस्तों, पहले गेंदबाजी करने का फैसला पंजाब किंग्स की टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ शुरुआती कुछ ओवरों में। जी हां दोस्तों, जब मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक मैदान पर उतरे, तो यहां पर पहला बड़ा झटका मुंबई इंडियंस की टीम को क्विंटन डिकॉक के रूप में लगा। जी हां दोस्तों, आज क्विंटन डिकॉक मात्र 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए और उनको अपने दूसरे ओवर की छठी गेंद पर दीपक हुड्डा ने मोसेस हेनरिकेज के हाथों कैच आउट करवाया, जिसके चलते एक बार फिर से क्विंटन डिकॉक ने मुंबई इंडियंस की टीम को निराश किया। तो वहीं दोस्तों, फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ईशान किशन, जहां पर ईशान किशन का भी फॉर्म इस बार आईपीएल 2021 में बिल्कुल भी सही नहीं है और उनका साथ नहीं दे रहा है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन मात्र आज के इस मुकाबले में 17 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर आउट हुए और उनको रवि बिश्नोई ने 7वें ओवर की 6ठी गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया, जिसके चलते ईशान किशन के रूप में मुंबई इंडियंस की टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया था। और इस दौरान बस मात्र मुंबई इंडियंस के पूरे टोटल स्कोर 26 रनों का था, लेकिन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज आज मुंबई इंडियंस की तरफ से उस वक्त में एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे जब मुंबई इंडियंस की पूरी टीम मुसीबत में आ चुकी थी। जी हां दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 40 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। और दोस्तों, अपने अर्धशतक के दौरान रोहित शर्मा ने 4 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। और दोस्तों, रोहित शर्मा यहीं पर ही नहीं रुकते, वो अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेलते हैं। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव, जो कि रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभा रहे थे शुरुआत से, उन्होंने भी आज अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने मात्र 30 रन 20 गेंदों में ही बना दिए थे और इस दौरान 3 चौके और एक बड़ा छक्का उन्होंने लगाया था। हालांकि दोस्तों, 15वें ओवर के बाद ये दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक रूप अपना लेते हैं, जहां पर ये दोनों ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए छक्के और चौके लगाते हुए नजर आते हैं और मोहम्मद शमी के ओवरों में काफी जोखिम भरे शॉट ये दोनों ही खिलाड़ी खेलते हैं। हालांकि दोस्तों, आज रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की ही बदौलत मुंबई इंडियंस का स्कोर इतना ज्यादा पहुंच पाया, नहीं तो अगर ये दोनों भी खिलाड़ी आउट हो जाते तो शायद पंजाब किंग्स की टीम के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजी करना और जो टोटल उन्हें छोटा मिलता उसको हासिल करना काफी ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस के इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आज पारी को संभाला और अच्छे स्कोर तक मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर गए। हालांकि अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो आज दीपक हुड्डा को एक बड़ा विकेट मिला तो वहीं रवि बिश्नोई को एक विकेट हासिल हुआ। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।